अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मखनी कीमा, जिसकी बहुत सिंपल सी और शॉर्ट सी रेसिपी है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। कम ऑन, लेट्स गो टू द किचन। अब हम आ गए हैं किचन में, और जहाँ पे मैंने पहले ही सामान तैयार के रखा हुआ है, और रेसिपी है जी मखनी कीमे की। और मखनी कीमे के लिए हमने लिया है 1 kg मटन का कीमा और 1 medium size का लहसुन। सो मैंने लहसुन को छील लिया है, कीमा मैंने वॉश करके रखा हुआ है। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी रेसिपी, और आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको अपडेट्स, अच्छी अच्छी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। सो वी गोना स्टार्ट इट नाउ। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम अपने प्रेशर में, बहुत कम। हम 1 kg कीमे के अंदर बहुत कम मैं ऑयल डाल रही हूँ, बिकॉज हमने बाद में भी ऑयल यूज़ करना है। ये ऑयल डालने का मकसद ये है कि हम इसके अंदर कीमे को शेलो फ्राई करेंगे, जिससे कीमा जो है मैश नहीं होगा बल्कि दानेदार कीमा बनेगा। सो मैंने इस कीमे में कीमा थोड़ा वो ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने कीमा ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम कीमे को जो है थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसका कलर चेंज करेंगे, और जो इसमें से पानी निकलेगा उसको हम इसमें ड्राई कर लेंगे। अब मैंने इसमें लहसुन ऐड किया है, उसको मैंने कोई चॉप नहीं किया, कोई क्रश नहीं किया, एज इट इज़ मैंने इसके अंदर लहसुन ऐड कर दिया है, बिकॉज लहसुन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 teaspoon से कम सॉल्ट, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। आप बाद में भी इसको ऐड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ नमक ही डाल रही हूँ यहाँ पर मैं। सो अब मैंने इसको शेलो फ्राई कर लिया है। आप देखें इसका कलर चेक करें, टर्न हो गया, और ये इतना मज़े का दानेदार सा रेडी हो चुका है। जो भी पानी निकला, जो भी इसके अंदर, उसी के अंदर हम ड्राई कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसके अंदर खड़े मसाले डालूँ, जिसमें 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, और बादियान का फूल, लौंगे और काले मिर्च थोड़ी ज़्यादा डाली है, ठीक है। इसके अंदर हमने ये सब चीज़ें ऐड कर दी, और ये जो पानी नज़र आ रहा है ये कीमे का अपना पानी है, मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। कीमा खुद पानी छोड़ रहा है और इसका अपना पानी है, जिसके अंदर हम इसको ड्राई कर रहे हैं। और बस कलर चेंज हो गया है, कीमा भी सेटल है, तो इसलिए अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी, बिकॉज मैं इसको प्रेशर लगाने वाली हूँ। सो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी अभी ऐड करूँगी, और इसको हम 4-5 to 7 minutes प्रेशर लगा देंगे। सो तब तक आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और वीडियो को दें थम्स अप, और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहें। अब मैंने इसमें पानी ऐड किया है ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर, जो मेरी एस्टिमेशन है 10 मिनट के लिए 1 glass पानी डलता है। 1 glass पानी जो है वो 10 मिनट में ड्राई हो जाता है इन प्रेशर कुकर। सो और मुझे थोड़ी सी यखनी चाहिए, उसके लिए मैंने लास्ट में थोड़ा सा और पानी ऐड किया है। सो ये जो लास्ट में जो मैंने पानी ऐड किया ना, मेरे पास यही रिमेनिंग बचेगा। और ऑलमोस्ट मैं क्योंकि मेरे घर में बहुत सॉफ्ट गोश जो है पसंद किया जाता है, कीमा बहुत सॉफ्ट पसंद किया जाता है, तो मैंने ऑलमोस्ट 8 to 10 minutes इसको प्रेशर दिया, और मैंने इसको खोल लिया है। और चेक करें, कीमा फुल रेडी है, और जो लहसुन था बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। ओके ना, अब मैंने पोट रखा है, मैंने अब इसको नॉनस्टिक पैन लिया था मैंने, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड करूँगी। हमने पहले भी ऑयल ऐड किया था, तो अब उसको दिमाग में रखते हुए इसमें थोड़ा सा और ऑयल ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे अब अनियन इसमें थोड़े ज़्यादा जाएंगे, बिकॉज हम इसमें और कोई भी वेजिटेबल यूज़ नहीं करने वाले। तो ये मैंने ऑयल डाल लिया टिंट्रैन, और अब मैं इसमें अनियन डाल रही हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, ऑलमोस्ट 1/2 kg तक थे, मैंने ज़्यादा ही कट किए हुए थे, सो मैंने थोड़े सेव कर लिए, और सेव करने का मुझे ख्याल आया नहीं। तो फिर मैंने इसमें और अनियन ऐड किए, तो ऑल टुगेदर ये मैंने 1/2 kg डाले थे। तो फिर मैंने इसको फ्राई किया, शैलो फ्राई किया, जब ये पिंक हो गया थोड़े से, सो मैंने एक चीज़ कट कर दी ताकि आप बोर ना हो जाएं। ये पिंक हो गया है, और यही कलर हमें रिक्वायर था, हमें बहुत काले भी नहीं करने, बहुत वाइट भी नहीं रखने हैं। तो इस पोजीशन के ऊपर मैंने जो बॉईल किया हुआ था कीमा नमक और लहसुन के साथ, और उसमें थोड़ा ऑयल भी शैलो फ्राई किया हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और इसको इसके अंदर जो भी यखनी थी वो भी इसके अंदर ही जाएगी, और इसके अंदर ही हम उस यखनी को ड्राई करेंगे, ठीक है। तो बस इसको आप सारा इसमें जाएगा, और आप इसको मिक्स करेंगे, जो भी लहसुन नज़र आ रहा है, जो भी अनियन नज़र आ रहा है ना, ये सब बहुत अच्छे से
मिक्स हो जाएगा, आप देख सकते हो। जितना भी लहसुन के पीसेस थे वो बिल्कुल वैनिश हो गया, मैंने बाहर फेंके नहीं है, वो इसके अंदर ही हैं, वो बिल्कुल मैश हो जाएंगे। और अनियंस को भी ये थोड़ी देर में सेटल हो जाएंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे, तो ये जो अनियंस आपको नज़र आ रहे हैं ना, तो ये भी काफ़ी सेटल हो जाएंगे, इस तरह से बहुत ज़्यादा ही नज़र आएंगे। तो वो थोड़ा सा मैंने मिक्स किया इसको अच्छे तरीके से, मिक्स करने के बाद ये देखिए मैं आपको लहसुन दिखा रही हूँ कि ये इसके अंदर ही है, मैंने वेस्ट नहीं किया है, और मैं इसको मैश करके इसके अंदर ही रख रही हूँ, ये इसके अंदर ही मैश हो जाएगा। लहसुन के वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इट्स वेरी गुड फॉर द हेल्थ। तो अब मैं जो हूँ इसमें से चम्मच हटा के इसको कवर कर रही हूँ, ताकि इसका जो अरुआ है, जो यखनी है, जो अनियंस हैं, और जो सब कुछ है वो एक सेटल डाउन हो जाए। तो इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक तो रखा था, लाइक डिपेंड्स, मैं दूसरे काम करना शुरू गई थी तो तब तक वो यखनी बड़ी अच्छी तरह से सेटल हो गई थी। सो इसके बाद मैंने इसको खोला तो तब तक यखनी इसमें से ड्राई हो चुकी थी, कोई लहसुन वगैरह नज़र नहीं आ रहा था। और हाँ, इस दौरान मैंने इसमें गोल वाली मिर्च ऐड की थी और वो मैंने नहीं शूट कर पाई। और अब मैं इसके अंदर मिल्क पैक क्रीम ऐड कर रही हूँ, जो मैंने बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं की, कप में निकालूँ, मैंने बॉक्स को क्लीन किया और डायरेक्ट इसके अंदर डालना शुरू कर दिया। तो 1 किलो के अंदर ये पूरा पैक गया था, ये 200 grams का, आई थिंक 200 ml का, ग्राम्स का पैक होता है ये। तो ये पूरा पैकेट मैंने 1 kg मटन कीमा में डाला था। इसमें हमने कोई दही नहीं डाला, कोई टमाटर नहीं डाला, और स्पाइस के लिए मैंने गोल वाली मिर्च यूज़ की हुई है, ठीक है, वो आप थोड़ी ज़्यादा डाल लेना। ये थोड़ा मखनी टाइप फ्लेवर होता है तो इसे स्पाइसी नहीं होता, इट डिपेंड्स, आप उसको स्पाइसी भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन मैं रूटीन में इतना स्पाइसी खाना खाते हैं हम लोग, सो मैंने इसको स्पाइसी नहीं किया, तो इसका अरोमा डिफरेंट ही रहने दिया। तो इसके अंदर हमने अदरक बीच में नहीं डाला हुआ, तो हम इसको लास्ट में गार्निशिंग में यूज़ करने वाले हैं। सो अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख दिया है, और दम खोलने के बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाली थी, ये जो मैं क्रश कर रही हूँ ब्लैक पेपर, ये स्टाइल ही मारा हुआ मैंने, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लैक पेपर जानी थी तो मैंने ग्राइंड करके तो डाल ली थी, ये मैं सिर्फ स्टाइल ही मार रही हूँ। इसके बाद मैंने ये गार्निशिंग कर दी, इसमें धनिया डाला और इसमें हरी मिर्चें डाली और लास्ट में थोड़ी सी अदरक डाल के, वाओ, लुक चेक करें, यमी। सो ज़रूर इसको ट्राई करो, और मैं इसमें हल्का सा आपको टच करके भी दिखा देती हूँ, उसके अंदर चम्मच हिला के नीचे से कितना क्रीमी है। और ये मैंने गार्निशिंग कर दिया है, और दिस इज़ रेडी, इंस्टेंट रेडी है यार, इसमें कुछ भी लंबा चौड़ा मसला नहीं है। इसको मैंने डिश आउट कर लिया है, उसके बाद उसके हुसन को निखारने के लिए मैं फिर से धनिया और हरी मिर्चें डाल रही हूँ, अदरक डाल रही हूँ, ताकि आपको जो खाने वाले हैं उनको टेम्पटिंग लगे। सो इट्स डन, टिन टिन। सो आप चाहें ज़रूर ट्राई करें, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि बहुत ईजी ईजी वाली जो रेसिपीज़ हैं ना, और हाँ, और यमी वाली भी, नॉट दैट ईजी, आल्सो यमी रेसिपी, क्विक रेसिपीज़ आपको मिल सकें। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप यू लाइक द कीमा वीडियो, मखनी कीमा, इट्स सो 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 यमी। और नॉर्मली कीमे की रेसिपी में हम लोग मखनी कीमा की रेसिपी आपको नहीं मिलेगी। सो ये मैंने जो है ये वाला कीमा मैंने जब मैंने दुबई विजिट किया था, मैंने वहाँ पर खाया था, एंड तो वहाँ से मुझे आइडिया आया था इसका। और आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको मज़ीद अच्छे अच्छे क्विक क्विक से रेसिपीज चाहिए तो इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन आती रहें। आई होप यू लाइक द वीडियो।